फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर, इसमें बुक से पढ़ने से पहले एक समरी समझा देती हूँ, जिससे क्या होगा आपको कहानी समझने में ईजी होगा। सबसे पहले ये जो लिवर है, जो फर्स्ट स्टेज है, इसे मिले हमें दो तरह का एक्शन देखने को मिलता है, एक यूट्राइन एक्शन, दूसरा सर्विकल एक्शन। दोनों एक्शन को एक करके डील करेंगे। उससे पहले ये जानिए कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर है, ये कितने ड्यूरेशन तक रहता है। अगर ये प्राइमरी पारा, जो पहली बार गर्भवती बनी है या प्रेग्नेंट हुई है, उसमें ये 12 से 14 घंटे में ख़त्म होता है, और जो मल्टी पारा या मल्टी ग्रेविडा, जिनको बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं या एक से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, उनमें 6 से 8 घंटे तक रहता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं यूट्राइन एक्शन। इसमें भी मिले आपको दो तरह का फंक्शन देखने को मिलेगा। जो पहला है उसको कहते हैं फंडल डोमिनेंस। अब ये फंडल डोमिनेंस होता क्या है, तो फीतल का लाइट होना। जैसा कि हमें पता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फीतल का शेप साइज बढ़ते जाता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि यूट्रस है, ठीक है, तो फीतल का शेप बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और पहुंच जाता है हमारा जिम्फॉइड प्रोसेस तक। ठीक है, जिम्फॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ा, वो जिम्फॉइड प्रोसेस तक पहुंच गया। ऐसा कब तक होता है, 36 वीक तक। अब उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिसको हम कहते हैं फंडल का डोमिनेंस होना। मतलब फंडल डोमिनेंट होता क्या है, ऐसा मूवमेंट जिसमें बेबी क्या हो जाए, हमारा वजाइना के पास आ जाए और उसे हम फील कर सकें। जब हम वजाइना में हाथ डालेंगे वजाइनल एग्जामिनेशन के समय, तो हम बेबी को फील कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडल डोमिनेंट कहते हैं। लाइटनिंग के समय जब फंडस का शेप जो होता है वो अलग हो जाता है, जैसे कि जब स्टार्टिंग में फीतस यहाँ पर रहता है तो शेप अलग होता है, लेकिन जब फीतस यहाँ पर आ जाता है तो हमारा यूट्रस का शेप अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो ग्लोबुलर शेप का हो जाता है। ठीक है, तो बेबी को आपको देख के ही लग जाएगा कि अच्छा, बेबी बाहर निकलने को रेडी है। यहाँ तक समझ गए कि फंडल डोमिनेंस क्या होता है। दूसरा जो टर्म है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। इन दोनों को बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे सिर्फ सिंपल में समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों होता है, लेकिन रिट्रैक्शन में सिर्फ यूट्रस जो है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, तो लिख देती हूँ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मेनली जो हमारा बेबी है जो नीचे आने लगा है, और जब वो हमारा पीवी सिंफेसिस के पास आ जाता है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कि HPA एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलमोपिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो ये मेनली प्रोसेस चलता है। अब इसमें होता क्या है, तो हमारा फीतस स्ट्रेस स्टार्ट होता है, तो हाइपोथैलमस को वो सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलमस रिलीज करता है क्या, हाइपोथैलमस रिलीज करता है CRS, कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और रिलीज करवाता है AC, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये चला जाता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाता है कॉर्टिसोन। अब ये कॉर्टिसोन का क्या काम है, ये इंक्रीज कर देता है किसको, तो ऑक्सीटॉक्सिन को, इस्ट्रोजेन को, और प्रोस्टाग्लैंडिंस के सेक्रिएशन को, जिससे क्या होता है, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, तो ये जो ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, तो जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये मेनली स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब के ओपनिंग से, जिसका नाम है ट्यूबल ओस्टिया। ये ट्यूबल ओस्टिया क्या है, ये इसको हम सेकेंड
पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। यहीं पर से मेनली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी पूछेगा तो ये नहीं बोलिएगा कि मायोमेट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। अगर वहाँ पर ट्यूबल ओस्टिया है तो नाम डालिएगा ट्यूबल ओस्टिया, अगर नहीं है तब होगा मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी दो तरह का देखने को मिलता है। जैसा कि जब आप यूट्रस देखिएगा ना, मान लीजिए कि हमारा यूट्रस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सर्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग में मेनली जब हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो यूट्रस में दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ऊपर से लगता है कौन सा, तो अपवाद कॉन्ट्रैक्शन लगता है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। और नीचे से हमारा वजाइना सर्विक्स के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन लगता है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर ये जो सर्कुलर फाइबर है इसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर से ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और यहाँ पर से जो होता है उसको सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन है वो अपवाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ तक समझ गए। जब मायोमेट्रियम आपको पता है हमारे यूट्रस का तीन लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में चेंजेज होते हैं ये जब फीटस बनता है उस समय, और मायोमेट्रियम मेनली कॉन्ट्रैक्शन के समय हेल्प करता है। जब तो ये सब होता क्या है, सिर्फ फीटस के इफेक्ट से होता है? नहीं, एक तो मायोमेट्रियम हमारा फोर्स कर रहा है, दूसरा फीटस फोर्स लगा रहा है, तीसरा मदर इफेक्ट, तीनों को मिलाकर मेनली हमारा क्या होता है, बेबी डिसेंट होता है। ठीक है, तो जब बेबी डिसेंट होने लगता है उस समय हमारा जो सर्विक्स है वो एक फोर्स ऊपर की ओर लगाता है, उस फोर्स को क्या नाम दिए हैं, रेसिडुअल फोर्स। ठीक है, जो मेनली ऊपर की ओर रहता है और लॉन्गिट्यूडनल फोर्स से बेबी नीचे की ओर जाता है, इस तरह से वो क्या होता है यहाँ पर सही से इंगेज हो जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पोरलिटी ऑफ यूट्रस। क्या कहते हैं, PORALITIES, पोरलिटी ऑफ यूट्रस कहते हैं। यूट्रस में सभी तरह के फोर्स लगाने की वजह से सर्विक्स के एक्सटर्नल OS, अब एक्सटर्नल OS क्या है, मान लीजिए कि हमारा इस तरह से यूट्रस है, ये इंटरनल OS होता है और ये एक्सटर्नल OS होता है। जो बाहर वाला OS है उसमें क्या होंगे, धीरे धीरे प्रभाव पड़ना लगता है, डायलेट होने लगता है। ये कैसे, जितना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा डायलेशन भी बढ़ता है, और जिससे क्या होता है कि हमारा पोरलिटी ऑफ यूट्रस स्टार्ट होता है। पोरलिटी ऑफ यूट्रस मतलब क्या हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा जिसके कारण सर्विक्स का डायलेशन बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होता है ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिंस का रिलीज बढ़ता है और फिर से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। इसी प्रोसेस को हम पोरलिटी ऑफ यूट्रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्या है, यूट्रस का तो हम समझ गए, अब हम समझते हैं किसका एक्शन, तो सर्वाइकल एक्शन। किसका, सर्वाइकल। उससे पहले एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ना उसी टाइम पे रिट्रैक्शन रिंग का भी फॉर्मेशन होता है। किसका रिंग, रिट्रैक्शन रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिट्रैक्शन रिंग मेनली दो तरह का होता है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लेवल में जो रिट्रैक्शन रिंग होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, और उस समय जो बेबी का पोजीशन होता है उसको कहते हैं बकेट हेल्ड पोजीशन। ठीक है, अब जब अब पैथोलॉजिकल क्या हो गया, पैथोलॉजी मतलब डिजीज, एब नॉर्मल लेवल के समय में होता है, और इसमें जो रिंग का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं बैंडल, BL, बैंडर्स रिंग। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में मैं ये रिट्रैक्शन रिंग और कॉन्ट्रैक्शन रिंग के बीच का डिफरेंस आपको सही से समझा दूंगी। अब ये सर्वाइकल एक्शन में क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो सबसे पहले जो चेंजेज होगा वो होगा कि सर्विक्स हमारा पतला होगा, तो किसको क्या कहते हैं, सर्विकल
इफासिमेंट, अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो सर्विक्स का थिकनेस है ना वो कम होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लेंथ होता है सर्विक्स का वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जैसे जैसे यूटराइन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सर्विक्स डायलेट बढ़ेगा, लेकिन उसका लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो अगर सर्विक्स डायलेट पूरा 10 सेंटीमीटर का हो गया तो कितना लेंथ बचता है सर्विक्स का, तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर बचता है। ठीक है, अब आते हैं सर्विकल डायलेशन, जो सेकेंड वाला स्टेप था, क्या है सर्विकल डायलेशन। इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो प्राइमरी पारा है ना उसमें जो सर्विकल डायलेशन होता है प्राइमरी पारा में, उसमें 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, और जो मल्टी पारा है उनमें 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है। लेकिन जैसे ही 3 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया तो ये जो है वो चेंज हो जाते हैं, 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन इस तरह से होता है प्राइमरी पारा में 1 सेंटीमीटर पर आवर, और सेकेंडरी मल्टी पारा में कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब डायलेशन भी 3 सेंटीमीटर के बाद बढ़ जाता है उसका टाइमिंग। ठीक है, इसी स्टेज मतलब जो थ्रू लेवल पेन स्टार्ट होता है वहाँ से 3 सेंटीमीटर का जो डायलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रिट्रैक्शन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उस रिंग में क्या डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं रिट्रैक्शन रिंग या ये कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग में क्या डिफरेंस है। पहले दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन होता क्या है, इसमें मेनली हमारा जो यूट्राइन का स्मूथ मसल सेल है अपर सेगमेंट, अब अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या है, तो मान लीजिए हमारा यूट्रस है, ये हमारा एम्बिलकस है, एम्बिलकस के ऊपर जो होता है उसको अपर सेगमेंट कहते हैं, एम्बिलकस के नीचे जो होता है उसको लोअर सेगमेंट कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव शॉर्ट मतलब धीरे धीरे क्या होगा, अपर सेगमेंट जो होगा धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, इसी को हम रिट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना हमारा जो अपर सेगमेंट है ये तो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन रिलैक्स नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो इसी यूट्रस क्या होगा, रिलैक्स होगा, लेकिन सॉरी जब सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा यूट्रस क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा, जिससे के कारण क्या होता है ये अपने ओरिजिनल लेंथ में नहीं पहुंचता है। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर ये थिक होने लगता है, ठीक है, थिक होने लगता है, एक्टिव होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है अपर सेगमेंट। उसी समय में जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ये कौन सा, लोअर सेगमेंट है, ये थिन होता है और स्ट्रेच होता है, ठीक है, इसी को हम रिट्रैक्शन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कौन, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन या कंस्ट्रिक्शन रिंग। इसमें क्या होता है ना, ये इसमें हमारा जो सर्कुलर यूट्राइन मसल होता है, आपको बताया था ये क्या है, मान लीजिए हमारा यूट्रस है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल यूट्राइन मसल होता है, यहाँ पर सर्कुलर यूट्राइन मसल होता है। जो सर्कुलर यूट्राइन मसल होता है वहाँ पर स्पाज्म होता है, एनुलर स्पाज्म होता है रिंग की तरह। ये मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पर, तो सभी जगह ये प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेनली देखने को मिलेगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेवर में। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो चलिए डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा डिफरेंस, कंस्ट्रिक्शन रिंग और रिस्ट्रिक्शन रिंग, कंस्ट्रिक्शन रिंग और रिट्रैक्शन रिंग, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्शन रिंग का नेचर क्या था, ये लोकल होता है सभी जगह और इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और अगर रिस्ट्रिक्शन रिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और ये सिर्फ सेकेंड स्टेज में हो देखने को मिलता है, और ये मेनली ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब एबनॉर्मल लेवल में देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड रिंग है वो हमेशा देखने को मिलेगा। अब सिचुएशन क्या है, तो सबसे पहले बताती हूँ, जो अपर जंक्शन होता है ना और जो लोअर जंक्शन होता है वहाँ पर मेनली कंस्ट्रिक्शन रिंग देखने को मिलता है, और भी ये अदर जगह पे हो सकता है लेकिन इसका पोजीशन अल्टर नहीं करता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन रिंग है
ये सिर्फ अपर और लोअर सेगमेंट के जंक्शन पे देखने को मिलेगा और इसका पोजीशन धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूट्रस, यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग में क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, लेकिन हमारा जो रिट्रैक्शन रिंग है इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स नहीं करेगा, जिसके कारण जो वाल है थिक होते जाते हैं और जो नीचे वाला वाल है, ऊपर वाला वाल थिक होते जाएगा, नीचे वाला वाल थिन होते जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं बुक से समझते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया, जहाँ पर एक्टिव लेबर से क्या होता है, फुल्ली डायलेशन होता है। तो वही कह रहा है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसमें मेनली फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण डिलीवरी बिगिन हो जाता है एकाएक। लेबर जब स्टार्ट होता है उस समय आपको देखेंगे कि एक थोड़ा सा ब्लड जैसा निकला है, क्या ब्लड जैसा, ऐसे थोड़ा सा म्यूकस के साथ प्लग निकला है, म्यूकस प्लग निकला है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको सो या ब्लडी सो कहते हैं, याद रखिएगा, क्या, ब्लडी सो। ये क्या है, ये एक म्यूकस है जो इंडिकेशन करता है कि आपका लेवर धीरे अस्तात हो गया है, जो कभी भी आवर्स से दे, मतलब कुछ घंटों में या कुछ दिन में आपका डिलीवरी हो सकता है। यहाँ तक समझ गए। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेवर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मिली दो चीज़ें चेंज, दो एक्शन आपको देखने को मिलेगा, यूट्राइन और सर्विक्स। तो सबसे पहले यूट्राइन में देखते हैं, तो आप देखते होंगे जब हमारा फिजियोलॉजिकल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है मेनली यूट्राइन स्मूथ मसल का, तो ये पेनफुल होता है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये मे बी कुछ कारणों से हो सकता है जो डिस्कस किया हुआ है। पहला क्या है, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने से कारण जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, मतलब कि हाइपोक्सिया के कारण पेन कर रहा है, या जो वहाँ पर नर्व है वो क्या हो गए हैं, वो कंप्रेस्ड होते जा रहे हैं, कंप्रेशन ऑफ नर्व गैंग्लिया इन द सर्विक्स, क्यों, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। या तीसरा कारण क्या हो सकता है, सर्विक्स जो स्ट्रेस कर रहा है उसके कारण पेन हो सकता है। चौथा कारण क्या हो सकता है, जो हमारा पेरिटोनियम स्ट्रेस कर रहा है जो फंडस के पास है उसके कारण हो सकता है। तो ये सब कारणों के कारण पेन हो सकता है। तो ये पेन है ना, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे, तो जो ये नर्व गैंग्लिया है उसको हम क्या करके, उसमें हम एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पारासर्विकल इन्फिल्ट्रेशन से। ठीक है, तो क्या पेन रिलीफ होने से क्या जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगा, नहीं। जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ये इनवॉलेंट्री है, वो हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। इवन आप नर्व को ब्लॉक कर दीजिए इपिड्यूरल एनेस्थेसिया से, फिर भी ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम नहीं करेगा और हमारा बेबी बाहर आ जाएगा और इसमें थोड़ा कम पेन होगा। मैकेनिकल स्ट्रेसनिंग ऑफ सर्विक्स इन्हेंसेज द यूट्राइन एक्टिविटी इन सर्वर स्पीसीज, कह रहा है जब सर्विक्स मैकेनिकली स्ट्रेस करेगा तो क्या होगा, हमारा जो यूट्राइन एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। इस रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फर्गुसन रिफ्लेक्स, क्या, फर्गुसन रिफ्लेक्स। तो फर्गुसन रिफ्लेक्स क्या है, इसको क्या कहते हैं, फीटर इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये मेली नीरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, जिसमें क्या होता है, अपने आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपने आप प्रेशर इनिशिएट होता है और बच्चा हमारा बाहर आता है। ये पॉजिटिव फीडबैक ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, अब जो हमारा सर्विक्स है उसका अगर मैनिपुलेशन करेंगे, क्या करना है, सर्विक्स का मैनिपुलेशन करना है या स्ट्रिपिंग करना है फीतल मेम्ब्रेन का, तो वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन से, मतलब ब्लड में कितना प्रोस्टाग्लैंडिन F2A मेटाबोलाइड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PGFM कहते हैं, मतलब कि सर्विक्स को मैनिपुलेशन और स्ट्रिपिंग ऑफ द फीतल मेम्ब्रेन डिपेंड करता है कितना ब्लड में हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हाई होया हुआ है। ये जो इंटरवल होता है कॉन्ट्रैक्शन के बीच में वो धीरे धीरे घटते जाता है,
जैसे कि 10 मिनट पे मेरी फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट हुआ तो सेकंड स्टेज में 1 मिनट घट जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर ये दोबारा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब कि क्या हो रहा है, या तो यूटेरो प्लासेंटा ब्लड फ्लो में की डिफिशियंसी हो रहा है जिसके कारण फीटल हाइपोक्सीमिया होगा, मतलब अनरिमिटिंग कॉन्ट्रैक्शन। अनरिमिटिंग मतलब क्या हो रहा है कि फिर से दोबारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, तो या तो क्या हो रहा है फीटल हाइपोक्सीमिया के कारण ऐसा हो रहा है। मेनली एक्टिव फेज ऑफ लेवर, एक्टिव फेज जब डायलेट कर जाता है हमारा सर्विक्स 3 से 4 सेंटीमीटर, तो ड्यूरेशन जो है ईच कॉन्ट्रैक्शन का वो 30 मान लीजिए एवरेज 1 मिनट तक रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने पीछे में बताया था 3 सेंटीमीटर तक जब तक डायलेट करता है, प्रेमी पारा में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी पारा में कितना, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर मेनली डायलेशन होता है। लेकिन जब 3 सेंटीमीटर डायलेट कर जाता है उसके बाद 1 सेंटीमीटर प्राइमी पारा में और ये 1.5 सेंटीमीटर प्रीमी पारा में या मल्टी पारा में देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर है वो मेनली जनरेट होता है कॉन्ट्रैक्शन के समय, तो ये कितना होता है, ये 40 mmHg होता है और वेरी कर सकता है 20 to 60 mmHg तक जा सकता है। तो अगर पूछेगा एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा, तो 40 mmHg से लेकर 60 mmHg तक। अब ये जो लोअर और अपर सेगमेंट है इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट ये होता कहाँ है, तो मान लीजिए हमारा यूट्रस है और ये हमारा अम्बिलिकस है, तो अम्बिलिकस के ऊपर क्या होगा अपर सेगमेंट और अम्बिलिकस के नीचे लोअर सेगमेंट। ड्यूरिंग एक्टिव लेवर क्या होता है ना, ये जो यूटराइन का डिवीजन होता है वो मेनली फेज 2 में स्टार्ट होता है, पार्चुरेशन के फेज 2 में, तो ये आपको पल्पेशन से ही पता चल जाएगा। कैसे, तो जब आप दोनों सेगमेंट को ये टच कीजिएगा या पल्पेट कीजिएगा तो पता चल जाएगा। जो अपर सेगमेंट होता है ना वो ज़्यादा क्या होता है टफ होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो क्या है सॉफ्ट है, डिस्टेंटेड है और ज़्यादा पैसिव है, मतलब उसके थ्रू कोई भी जा सकता है। ये मैकेनिज्म बहुत ही वाइटल इम्पोर्टेंस है, क्यों, क्योंकि जैसे कि हमें पता है हमारा इंटायर मायोमेट्रियम क्या होगा अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या होगा जो एक्सपल्सिव बाहर निकलने का जो फोर्स है वो कम हो जाता है, इसलिए अपर सेगमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिट्रैक्ट करता है और फीटस को एक्सपेल करता है इसलिए, और जो हमारा लोअर सॉफ्टल पाथ है वो क्या करता है सॉफ्ट होता है, सर्विक्स को डायलेट करता है और अपने आप को एक्सपेंड करता है ताकि फीटस इजली जा सके। तो ऊपर वाला का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना अपर सेगमेंट को और लोअर सेगमेंट को डायलेट करना और अपने आप को स्मूथ बनाना, मतलब सॉफ्ट करना है। ठीक है, अब एक बार जब अपर सेगमेंट का मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो रिलैक्स करके अपने ओरिजिनल ये लेंथ में नहीं गेन करता है, लेकिन वो अपना लेंथ तो उसका शॉर्ट हो जाता है, तो क्या इससे प्रेशर भी कम हो जाते हैं, नहीं प्रेशर कम नहीं होता है। जैसे कि एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया इस तरह से, मान लीजिए इतना ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इतना ही रहता है, ये नहीं कि रिलैक्स कर जाएगा। अगर रिलैक्स कर जाएगा तो बेबी कॉन्ट्रैक्ट करने से बेबी नीचे आया है, तो रिलैक्स कर जाएगा तो फिर से बेबी ऊपर चला जाएगा ना, तो ये नहीं रिलैक्स करता है लेकिन प्रेशर को मेंटेन रखता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो और ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, ये प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये एक पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो अपर सेगमेंट लेकिन रिलैक्स नहीं हो, जिससे क्या होगा मायोमेट्रियम का टेंशन क्या होंगे कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो रिट्रैक्शन, इसी को रिट्रैक्शन कहते हैं ना, कि एक बार क्या अभी बताए थे रिट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होता है, ये प्रोसीजर बहुत बार चलता है जिसके कारण हमारा जो ये अपर सेगमेंट है उसका जो मस्कुलर फाइबर है वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जाता है। अपर एक्टिव सेगमेंट जो होते हैं वो मेनली थिक होते हैं और जो लोअर एक्टिव सेगमेंट है वो थिन होते हैं, ठीक है, और जिसके कारण हमारा इमीडिएट डिलीवरी होता है, और ये जब तक होता है तब तक की डिलीवरी हो ना जाए,
ये फिनोमिना तो आप समझ गए कि अपर सेगमेंट का रिट्रैक्शन क्यों होता है, लोअर सेगमेंट थिन क्यों होता है, ठीक है। अब ये जो रिट्रैक्शन रिंग होता है, रिट्रैक्शन रिंग कैसे किसको कहेंगे, जैसे कि अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो रिलैक्स नहीं कर रहा है, इस तरह से वो थिक होते जा रहा है, यहाँ पर थिन होते जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो रीज होगा उसी को कहते हैं रिट्रैक्शन रिंग। अब ये जो होगा यह दो तरह का होगा, एक तो होगा फिजियोलॉजिकल और एक होगा पैथोलॉजिकल। अगर नॉर्मल लेवर हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होगा, अगर एबनॉर्मल लेवर होता है तो क्या होगा, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होगा। और एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेंडर रिंग भी कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब क्या क्या चेंजेज होते हैं यूटेराइन शेप में ड्यूरिंग लेवर, तो एक प्रत्येक कंट्रैक्शन के साथ क्या होता है, मेनली जो यूटेराइन का शेप है वो ओवॉइड शेप में होते जाता है, मतलब कि इसका जो हॉरिजेंटल डायमीटर है वो घटते जाता है। ये चेंजेज जो होता है शेप में वो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है लेवर प्रोसेस का। पहला तो इसका जो फीटल एक्सिस प्रेशर है इसके कारण बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा डिक्रीज होता है हॉरिजेंटल डायमीटर, और इसके ये कारण क्या होता है, जो फीटल का वल्टिबुलर कॉलम है वो स्ट्रेट होता है। अब ये कैसे होता है कि जैसे कि देखिए, जैसे कि ये हमारा ये यूट्रस है, ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है, ठीक है। अपर पोल से क्या होगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो हमारा जो फीटस है वो क्या होगा, नीचे की ओर जाता है। तो ये कैसे होगा, जब ऊपर का डायमीटर जो हॉरिजेंटल डायमीटर है वो कम होगा, ये कम होगा तो फीटर एक्सिस में प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण हमारा फीटस नीचे की ओर जाएगा। तो अपर पोल कहने का क्या मतलब है कि अब जो भी ऊपर की ओर है अपर सेगमेंट की तरफ वो क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, और लोअर पोल भी नीचे की ओर आएगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ लग रहा है, अपर पोल में लग रहा है, तो फीटस ऑटोमेटिक नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और जो लेंथ है, लेंथ जो वाइड शेप का लेंथ है वो मेनली 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है। और सेकेंड में क्या होता है, जैसे जैसे यूट्रस का लेंथ है जो मेनली जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो क्या होता है, स्ट्रेच, तो मतलब स्ट्रेच करता है, तो लोअर सेगमेंट और सर्विक्स जो यूट्रस का पाथ है वो फ्लेक्सिबल होता है, ये पुल अपवर्ड ऊपर की ओर पुल होता है, किधर, तो लोअर पोल ऑफ द फीटस। तो जैसे कि हमारा ये क्या है, हमारा यूट्रस है, यहाँ पर होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा फीटस है, ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है, तो ये फीटस को ऊपर से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा जिससे फीटस नीचे की ओर आएगी, ठीक है। लेकिन ये फोर्स पड़ता किस तरह है, ऐसे अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो अपवर्ड फोर्स करता है, अपवर्ड फोर्स करेगा तभी तो यहाँ पर ये नीचे की ओर प्रेशर लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं एंसिलरी फोर्सेज इन लेवर, और कौन कौन सा फोर्स हो सकता है, जैसे कि सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो गया, तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स कौन सा होता है फीटल एक्सपर्शन में, सबसे पहले मैटरनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो माँ फोर्स लगाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा एब्डोमिनल का मसल, तो ये उसके साथ साथ क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी फोर्स है वो भी क्या लगता है, जिसको हम पुशिंग कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, पुशिंग कहने का मतलब ऐसे ऐसे सांस लेके क्या होती है, माँ नीचे की ओर फोर्स लगाती है फीटस को, कैसे, तो एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, इसको क्या कहते हैं, पुशिंग कहते हैं। ये जो फोर्स होता है ना, सिमिलर होता है डिफेकिनेशन का, जैसे किसी कुछ हम निगलते हैं ना उस तरह का, लेकिन इसका इंटेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये प्रोलॉन्ग डिसेंट करने में हेल्प करता है, डिसेंट मतलब बच्चा जैसे इंगेज होता है पेल्विक बीम में तो उससे अंदर जाना, कब, ड्यूरिंग रेवल ऑफ पैराप्लेजिक वुमेन, और कब, जब डेंस एपिड्यूरल ब्लॉक हो, मतलब जो वो एनेस्थेसिया दिया जाता है ना पेन कम करने के लिए, उस समय ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेवर कंप्लीट होता है, पुशिंग लगते हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, पहला स्टेज में पुशिंग लगता है, दूसरा स्टेज में क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जो मदर को क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करता है, और जो इंट्रा यूटराइन प्रेशर को बढ़ाता है, और ये कभी कभी क्या हो सकता है,
हार्मफुल हो सकता है फीतस के लिए। जिनको मेनली एनेस्थेसिया दिया हुआ है उनकी बातें चल रही है, ठीक है। सर्विकल में क्या क्या चेंजेज होते हैं? तो सर्विकल में मेनली आपको दो चेंजेज देखने को मिलेगा, एक तो इफासवेंट और दूसरा डायलेशन। इफासवेंट मतलब क्या होता है? हमारे सर्विक्स का ठीक से थीन होना। डायलेशन मतलब कि उसका लेंथ क्या होना, बीच का जो डिस्टेंस है उसका बढ़ना। मेनली कितना होता है? 10 सेंटीमीटर तक डायलेट करता है और पतला हो जाता है, ठीक है। जो हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं कि सर्विक्स का राइप हुआ, राइपनिंग मतलब कि वो जो कोलाजन फाइबर्स बना हुआ होता है ट्रिपल बॉन्ड से उसका टूटना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्विकल में चेंजेज होंगे, मतलब कि सर्विक्स का पतला होगा और वो डायलेट करेगा। डायलेट कितना करता है? तो अब तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और जब सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तब उसको कंप्लीट या फुल्ली डायलेटेड कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इफासमेंट सर्विक्स का इफासमेंट मतलब सर्विक्स जब पतला होता है उस समय कोई भी फीतल का डिसेंट नहीं होता। डिसेंट कब होता है? जब सर्विक्स डायलेट करता है। तो ये भी दोनों जो मल्टी पैरा है और नली पैरा, न्यूली पैरा को प्रेमी पैरा भी कहते हैं, जो पहला बच्चा दे रही है उसमें क्या डिफरेंस है? तो इधर लिख देते हैं प्रेमी पैरा और इधर मल्टी पैरा, ठीक है। प्रेमी पैरा में जो होता है ना, वो जो डिसेंड होता है वो धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है और स्टीडली होता है, आराम से। लेकिन मल्टी पैरा में क्या होता है? हाइपरिटी से होता है और डिसेंड क्या होता है? बहुत रैपिड होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सर्विक्स क्या होता है? थोड़ा डायलेट हो जाता है। सर्विकल इफासमेंट को क्या कहते हैं? ऑब्लिटेरेंस या टेकिंग ऑफ द सर्विक्स भी कहते हैं, जिसमें हमारा सर्विकल ओपनिंग क्या होता है, सर्विकल लेंथ कम होता है और उसका थिकनेस क्या होता है? कम होता है, लेकिन उसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। देखिए ये मल्टी पैरा है और ये प्रीमी पैरा है। इसमें देखिए सर्विक्स पूरी तरह क्लोज है, लेकिन इसमें ऑलरेडी डायलेटेड है। इसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसका लेंथ कम हो रहा है, लेकिन इसका जो यहाँ पर डायमीटर है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरह देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखें ही समझ सकते हैं कि किस में रैपिड होता है और किस में स्लो होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सर्विक्स थोड़ा ओपन है या डायलेटेड है, तो इसमें कोई भी प्रोसेस जल्दी होगा एज कंपेरिजन टू प्रीमी ग्रेविदा, ठीक है। प्रीमी ग्रेविदा जो पहली बार बच्चे देते हैं, तो यही इसमें दे रहा है। ए में क्या है? बिफोर लेबर प्रीमी ग्रेविद के सर्विक्स क्या है? लॉन्ग है और अनडायलेटेड है। लेकिन मल्टीपरा में क्या है? डायलेटेड ऑलरेडी है स्टार्टिंग में, ठीक है। बी में क्या है? इफेसमेंट मतलब कि थिकनेस कम होना चालू हो गया। मल्टीपरा में डायलेशन और फनल शेप हो गया है इंटरनल ओएस, लेकिन अभी लेस है, ठीक है। इसमें देखिए फनल शेप का हो गया है, लेकिन अभी इसमें लेस ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, हल्का ओपन हुआ है, ठीक है। सी में क्या है? कम्प्लीट इफेसमेंट में तो जो प्रीमी ग्रेविड सर्विक्स है उसमें देखिए कम ओपन हुआ है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगाता है बच्चा को बाहर निकलने में, लेकिन इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जो कैनाल का लेंथ है ना, स्टार्टिंग जब नॉर्मल है, जब बच्चा नहीं पैदा हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब वो हमारा सर्विक्स क्या होता है? डायलेट करता है, तो क्या होता है? लेंथ का कैनाल छोटा हो जाता है और 2 सेंटीमीटर इतना रहता है, ठीक है। अब जो ये मस्कुलर फाइबर है वो इंटरनल ओएस को ऊपर की ओर पुल करेगा, जिसको टेकन अप कहते हैं। और ये कंडीशन क्या होता है? एक्सटर्नल ओएस में मेनली कोई भी चेंजेस नहीं होते, ये इंटरनल ओएस के द्वारा किया जाता है। इफेसमेंट में क्या होता है? तो फनल प्रोसेस होता है, जहाँ पर होल लेंथ क्या होगा? नैरो साइलेंड्रिकल होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लेरिंग फनल में, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि मायोमेट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाता है ड्यूरिंग जब यूटराइन प्रिपेयर हो करता है अपने आप को लेबर में, क्योंकि इफेसमेंट के समय में कोई भी डिसेंट नहीं होता है। तो इफेसमेंट के कारण क्या होता है? जो म्यूकस प्लग है ना वो बाहर निकलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा लेबर प्रिपेयर हो रहा है बाहर आने के लिए, फीतस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब जैसे कि लोअर सेगमेंट और सर्विक्स में कम रेजिस्टेंस रखता है तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पुल आता है, जिसके कारण सर्विक्स डायलेशन होता है, ठीक है।
अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसके कारण मेनली प्रेशर होगा मेम्ब्रेन में, जिसके अंदर वो जेमनियोटिक मेम्ब्रेन जिसके अंदर हमारा फीटस मेनली रहता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोस्टेटिक एक्शन होगा क्योंकि इसमें क्या है हमारा एमनियन प्रेजेंट है, जिसके कारण ये क्या होगा डायलेट होगा, हम किस तरह से तो बेज की तरह से, देखिए पिक्चर देखिए, ये हमारा क्या हो रहा है धीरे धीरे बेज बना रहा है। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे फीटस है तो इसमें मेनली दो तरह का बैग बनता है, इसको फोर बैग कहते हैं और इसको हिंद बैग कहते हैं। फोर बैग वो है जो सर्विस की तरफ, अगर एम देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंटिंग पाथ है फीटस का, उसके आगे एमनियोटिक फ्लूइड आ जाए तो उसको फोर बैग कहते हैं और उसके पीछे वाले को हिंद बैग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ तो प्रेशर मेनली किसके अगेंस्ट होता है, तो फीटल पाथ के अगेंस्ट होता है जो सर्विक्स पे लगाता है या लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे। अगर अर्ली रप्चर हो गया तो भी ये सर्विकल जो डायलेट कर रहा है उसको नहीं रोक सकता है क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके कारण जो सर्विकल इफेसमेंट होता है, डायलेशन होता है, इसके कारण फॉर्मेशन होता है हमारा फोर बैग का जो एमनियोटिक फ्लूइड का है। यही है जो लीडिंग पोर्शन ऑफ फ्लूइड है जो मेनली प्रेजेंट होता है हमारा प्रेजेंटिंग पाथ के आगे। जब मेम्ब्रेन रप्चर करता है ना तो सबसे पहले यही जो फोर बैग है इसमें जो एमनियन होता है ये क्या करता है रप्चर करता है, जो मेनली क्या करेगा जो हमारा वेजाइना है उसको क्लियर या साफ करते हुए बाहर निकलता है, ताकि हमारा जो फीटस है उसमें कम से कम इन्फेक्शन के चांसेस हो सके। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिकॉल करेंगे ये जो डायग्राम है उसको, इससे पहले पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें मेनली जो हमारा सर्विकल डायलेशन है ना इसको दो फेज में बांटा गया है, लैटेंट फेज में और एक्टिव फेज में। एक्टिव फेज भी बाद में तीन पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा फेज, तो एक्सीलरेशन फेज, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप और डिसेलरेशन फेज। जो ड्यूरेशन होता है ना लैटेंट फेज का वो वेरिएबल करता है और मेनली बाहर के फैक्टर पर ये क्या होता है सेंसिटिव होता है, जैसे कि सिडेशन, सिडेशन के कारण क्या होता है जो लैटेंट फेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है और मायोमेट्रियल का स्टिमुलेशन कम हो जाता है। लैटेंट फेज का ड्यूरेशन क्या होगा तो कोर्स ऑफ लेवर को क्या करेगा घटा देगा, और जबकि जो एसिलेशन फेज है वो प्रिडिक्टिव होता है लेवर आउटकम का कि कब लेवर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब ये जो सर्विकल डायलेशन है ये कंप्लीट हो जाता है मेनली फर्स्ट फेज में, तो सेकंड फेज में क्या होगा तो फीतल का डिसेंट होगा। देखिए पिक्चर समझिए, ये मेनली नीचे क्या दिया हुआ है मंथ दिया हुआ है और ये डायलेशन और डिसेंट दिया हुआ है। अब ये हमारा फर्स्ट फेज यहाँ से यहाँ तक है, इसमें क्या हुआ तो सबसे पहले तो हमारा प्रिपरेटरी डिवीजन चला, प्रिपरेशन हुआ और डायलेशन हुआ। डायलेशन कब होता है जब मैक्सिमम स्लोप पे हमारा फेज रहता है, स्टार्टिंग में सर्विकल डायलेशन हो रहा है, फिर एसिलरेशन फेज आ रहा है और फिर कौन सा फेज हो रहा है फिर डिसेलरेशन फेज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फीटल डिसेंड कर रहा है कहाँ से तो फर्स्ट फेज से कर रहा है, लेकिन एकाएक ड्रॉप कब होगा जब वो पहुँचेगा 12 आवर्स में, ठीक है। कब, जब 12 आवर्स में पहुँचेगा तो एकाएक ड्रॉप करना स्टार्ट कर जाएगा और ये मेनली किस में आता है तो सेकंड फेज में। सेकंड फेज में आप मेनली क्या देखिएगा पेल्विक डिवीजन, ठीक है। पेल्विक डिवीजन आप सेकंड फेज में या सेकंड स्टेज में मेनली देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझिएगा। चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेवर क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फेजेज ऑफ लेवर में मेनली चार फेजेज होते हैं, यूट्राइन क्यूसेंट एंड सर्विकल सॉफ्टनिंग, प्रिपरेशन ऑफ लेवर, लेवर और द पीपीरियम। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया है, थर्ड का हम स्टेजेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फेज फर्स्ट क्या था, क्यूसेंट फेज था, इसमें मेनली प्रिपरेशन होता है, जैसे कि यूट्राइन क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, अनरिस्पॉन्सिव रहता है, लेकिन सर्विक क्या होता है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फेज टू में पार्ट्यूरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए इनिशिएशन स्टार्ट होता है, जो हमारा यूट्राइन है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो एक्टिवेट होता हो जाता है, तो इसमें सर्विकल राइपनिंग स्टार्ट होती है। अब फेज थ्री में क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन मतलब कि द प्रोसेस ऑफ लेवर
स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि उत्तरायण का कॉन्ट्रैक्शन होना, सर्विक्स का डायलेशन होना, फीतल और प्लासेंटा का क्या होना, एक्सपल्सन होना। ये मेनली 3 स्टेजेज ऑफ लेवल में हम डील करेंगे। तो अभी तक हम क्या हद तक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवल पढ़ चुके हैं, अब सेकेंड स्टेज पढ़ेंगे, थर्ड स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें इन्वॉल्यूशन होता है, मतलब कि सर्विस अपने आप को रिपेयर करता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो फिर से फलतलित्री स्टोर होगी, उन्हें फिर से MC स्टार्ट होगा, फिर से सब कुछ नया तरह से चलेगा।